दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार ने आप सभी का न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है, तो यह न्यूज़ बहुत दिन से मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर रहा था और वाकई में सरकार ने आप सभी का पेमेंट बढ़ा दिया है, जो कि यह लागू होना था 1 अक्टूबर से और यह लागू भी कर दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार ने आपका न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया था, यानी जितना आप लोग को पहले मिलता था उसको बढ़ाकर आप सभी का मजदूरी गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसको लागू करने के लिए 1 अक्टूबर का टाइम दिया था, यानी 1 अक्टूबर से यह मजदूरी आपको मिलने वाला था। और इस बार जो नवंबर का सैलरी भी आया, यानी अक्टूबर का सैलरी नवंबर में ही आता है, तो जो अक्टूबर का सैलरी नवंबर में आया वह बढ़ के आया। और कहीं कहीं सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि किसी किसी का सैलरी तो नहीं बढ़ के आया, यानी सेम ही सैलरी आया जो वो लोग पहले पाते थे वही वो लोग को इस बार भी मिला। यानी सरकार ने तो अपना न्यूनतम मजदूरी बढ़ा देते हैं, पर यह कंपनी वाले अपनी मनमानी ज़रूर करते रहते हैं। तो आप लोग का क्या राय है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का सैलरी बढ़ के आया है कि नहीं बढ़ के आया है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने सैलरी तो बढ़ा दिया है, पर कहीं कहीं यह मिल नहीं रहा है मजदूरों को, क्योंकि बहुत ही कमेंट में सुनाई दे रहा है कि सर, सैलरी तो केंद्र सरकार बढ़ा देती है, पर हमारे कंपनी वाले या हमारा ठेकेदार, जिस ठेकेदार के अंदर जॉब करते हैं यानी नौकरी करते हैं, उसने बढ़ाने से सैलरी मना कर दिया है, और जितना मैं पहले पाता था वह अभी भी उतना ही मेरे को मिल रहा है। तो इस पे किसका हो सकता है, यानी इसमें कमी किसका हो सकता है, सरकार का हो सकता है या कंपनी का कमी हो सकता है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मेरा मानना है कि सरकार तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ा देती है, पहले आप लोग यह समझिए कि अगर सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और कंपनी वाला यानी और कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार अगर सैलरी बढ़ाकर आपका नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, यानी क्या क्या कार्रवाई हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया है, अगर वह आपको कंपनी वाला और ठेकेदार नहीं दे रहा है, तो आप उसको कंपनी वाले के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर जेल का सजा और जुर्माना लग सकता है, यानी 10 साल का जेल का सजा भी हो सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। फिर भी इतना जब कड़ाई होने के बाद भी वह आपका सैलरी क्यों नहीं बढ़ाता, तो इसमें कोई कोई विपक्षी का मानना है, विपक्षी लोग यह भी बोलते हैं कि यहाँ पर मजदूरों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, यानी वो लोग को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। बाकी ऐसा इलेक्शन के टाइम में ऐसा बोल दिया जाता है कि सभी मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया गया है और वह मिलता नहीं है, तो विपक्षियों का काम ही रहता है। तो यह कहीं कहीं रियल भी यही है कि गवर्नमेंट ने आपका सैलरी तो बढ़ा दिया है पर मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस पे कमी सबका रहता है, क्योंकि जब सरकार ने आपका न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया है तो वह चेकिंग करने के लिए भी कंपनी में भेजना चाहिए और पर्सनली सब मजदूरों से पूछना चाहिए और उनका सैलरी स्लिप भी देखना चाहिए कि उन लोगों का जितना गवर्नमेंट ने बढ़ाया है सैलरी, वो लोगों को उतना सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यह भी चेक करना चाहिए। अगर ऐसा चेक करते हैं सब लेबर ऑफिसर, तो वो लोगों को सैलरी मिलने का चांस बढ़ जाता है, तभी सब कंपनी वाले और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर डरेंगे, तब उन लोगों को सैलरी बढ़ा कर देंगे। और अगर कोई इसमें चेक करने भी आता है और वह पूछता है कि आपको सैलरी मिलता है कि नहीं, आपका सैलरी कितना बढ़ता है, तो वो लोग को जो मजदूर भाई रहते हैं वो लोग को डर रहता है कि अगर मैं रियल बात बता दूंगा तो मेरा नौकरी खा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर उसको नौकरी से निकाल देगा और कंपनी वाला भी उसको नौकरी से निकाल देता है, तो इससे भी वह लोग डरे होते हैं। इसके लिए उनका सैलरी स्लिप और जो बैंक का स्टेटमेंट रहता है, गवर्नमेंट को एक स्पेशल
इस पे ऑफिसर बनाना चाहिए और स्पेशल ऑफिसर को उनका सैलरी स्लिप और उनका बैंक स्टेटमेंट भी देखना चाहिए ताकि वो लोग का जो हक है वो लोगों को मिल सके। बाकी केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया है मजदूरी यह भी आप लोग देख सकते हैं कि जो अकुशल यानी जो अनस्किल्ड में आते हैं वो लोगों का दैनिक मजदूरी 783 रुपया बढ़ाया है, जो कि अगर मानसिक में कैलकुलेट किया जाए यानी महीने में कैलकुलेट किया जाए तो 20,358 रुपया हो जाता है। और बाकी जो अर्धकुशल श्रमिक है यानी सेमी स्किल वाले हैं वो लोग का पर डे यानी दैनिक मजदूरी पर दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 868 रुपया बढ़ाया गया है और उसको मासिक में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 22,568 रुपया बढ़ाया गया है। और यहीं साथ अगर देखेंगे कि कुशल श्रमिक और क्लर्क का जो सैलरी है यानी जो स्किल में आते हैं वो लोग का सैलरी अगर देखा जाए तो लोग का 1,024 रुपया बढ़ाया गया है। और आप लोग का अगर इतना सैलरी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी आप लोग का इसमें क्या राय है, इसमें किसका कमी हो सकता है और क्या क्या कमियां हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिर जैसा ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।